I'm here with the Tech Valley podcast again. Today, I'm going to introduce you to what Tech Valley offers. और आज की हमारी मेहमान है, she is the program officer with दुर्शल. बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि दुर्शल क्या है, Tech Valley क्या करता है, दुर्शल के साथ क्या engagements हैं. तो हमने कहा कि आज हम नजम सहर दुरानी को अपने पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट करेंगे. थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग इन. और बिफोर वी स्टार्ट, हम आपको इंट्रोडक्शन, यू वेलकम. बिफोर वी स्टार्ट विद टेक वैली ऑफर्स एंड एवरीथिंग एल्स, एक कॉमन क्वेश्चन होता है हमारे लोगों का कि ये दुर्शल क्या है. दुर्शल इज बेसिकली अ पश्तो वर्ड दैट मींस गेटवे. अच्छा. एंड ये केपीआईटी बोर्ड का इनिशिएटिव था जो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर लिया कि वो स्टूडेंट्स के लिए एक इंक्यूबेटर बनाए. अच्छा, इंक्यूबेटर के बारे में भी बहुत से टाइम पे लोगों को नहीं पता होता कि इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं. स्टार्टअप इंक्यूबेटर कहा जाता है इसको. स्टार्टअप इज बेसिकली अ बिजनेस आइडिया जिसको एक स्मॉल स्टेप होता है जो भी कोई भी बच्चा अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ये एम करता है कि भाई मैंने इस चीज को आगे एक बिजनेस या एक कंपनी के तौर पर डालू करना है. तो इंक्यूबेटर्स उनको हेल्प करते हैं सारे प्रोसेस में कि उन्होंने किस तरीके से अपनी ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, कैसे अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, किस तरह से हायरिंग करनी है. ईच एंड एवरी थिंग उनको इस प्रोग्राम के अंदर सिखाई जाती है. तो केपीआईटी बोर्ड ने आईटी को प्रमोट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया है. अच्छा जी. और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि आपका जो भी बिजनेस आइडिया हो दैट मस्ट बी आईटी बेस्ड. अच्छा, तो ये व्यूअर्स के लिए ये है कि जो भी बिजनेस वो करेंगे उसके लिए लैपटॉप जरूर यूज करें. ऑब्वियसली लैपटॉप या फोन, कोई भी ऐप हो, वेबसाइट हो, एनीथिंग. सो इट्स ऑल टेक, दैट्स व्हाई टेक वैली इज कमिंग इन. एक चीज मैं और आप लोगों को ये बताऊं कि शी इज दी ओनली प्रोग्राम मैनेजर, आई मीन लाइक फीमेल प्रोग्राम मैनेजर इन ऑल ओवर दुर्शल. तो मैम इसका मुझे बताएं कि ये कैसे हुआ, क्योंकि दुर्शल के तो सारे मैनेजर्स जो हैं वो मेल हैं, यू आर दी ओनली फीमेल. प्लान नहीं है, इट्स लाइक विद केपी के अंदर 6 or 7 इंक्यूबेटर्स हैं जिनमें से 4 or 5 आर जो कि गवर्नमेंट के साथ अफिलिएटेड है, उनमें से ओनली 3 आर पब्लिक प्राइवेट. एंड हजारा रीजन के अंदर जो टेक वैली को मिला है, हमने अर्न किया है, दिस इज द ओनली पब्लिक प्राइवेट इंक्यूबेटर ऑफ दुर्शल. अच्छा. देयर इज नो मतलब गवर्नमेंट का कोई दुर्शल जो है वो हजारा रीजन के अंदर सो फार नहीं है. सो वी आर द वेरी फर्स्ट इन टेक वैली दैट वी आर हैव लॉन्च दिस दुर्शल इन अबटाबाद. दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल. लेट मी कम बैक टू द पॉइंट वेयर मैं हमेशा बोलता हूं कि इसकी एप्लीकेशंस ऑनलाइन हुआ करेंगी, ये किस तरह लोग अप्लाई करेंगे, इसकी फैसिलिटेट कैसे होंगी? ये ऑनलाइन होगी, ठीक है. dushal.com उनकी वेबसाइट है जिसके ऊपर अप्लाई का एक टैब आता है जिसको जब आप क्लिक करते हैं तो इट्स लाइक अ वेरी नॉर्मल फॉर्म जो आप एडमिशन के लिए जाके आप भरते हैं. अच्छा जी. नेम, एड्रेस, आपका आइडिया क्या है, आइडिया का क्या लेवल है, इस रनिंग बिजनेस और नॉट, या ये बिल्कुल सिर्फ आइडिया बेस्ड है. कितने टीम मेंबर्स आपको चाहिए हैं, कितने टाइम में आपको लगता है कि आप इस प्रोजेक्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं रनिंग कंपनी में. तो वेरी बेसिक क्वेश्चंस और बिजनेस मॉडल के जो 3-4 बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो भी जेनेरिक एक बिजनेस मॉडल कोई भी उठा ले उसके अकॉर्डिंग अपने आइडिया को. अच्छा, तो मतलब हम व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि आप सब लोगों के लिए है कि आपने आपके पास इनिशियल फंडिंग्स नहीं है, आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, आप अपनी ऑफिस की जगह नहीं ले सकते, आपका आइडिया अच्छा है, यू थिंक दैट योर आइडिया क्लिक्ड इन. आप मैम अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रही है आप इसको अपने पास नोट करें, और इफ यू थिंक दैट योर आइडिया कैन गेट लाइक उसको इसमें फैसिलिटेट किया जा सकता है तो आप जरूर दुर्शल पे आए. आई थिंक टेक वैली इज द पायनियर इन ब्रिंगिंग दुर्शल इन हजारा रीजन. लाइक आप जो कह रहे हैं पेमेंट की बात, बहुत से इंक्यूबेटर्स हैं ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, लेकिन दुर्शल का जो यूनिक एस्पेक्ट है, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये है कि हम स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देते हैं. अच्छा. कोई इंक्यूबेटर जो है वो स्टार्टअप्स को कुछ नहीं देता. अच्छा, तनख्वाह भी मिलेगी. हाँ जी, तो 30,000 रुपीज पर मंथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा. वंडरफुल, वंडरफुल. मतलब आप एक तो बिजनेस भी आपका एस्टेब्लिश करके देंगे, डेवलप करके देंगे, उसके साथ आप जब काम करेंगे तो आप उसके अंदर आपको सैलरी मिलेगी. इट्स वंडरफुल आइडिया मैम. It's something, let me come back to the point where I really wanted to do this podcast because log poochte hain, last time we had a podcast aur usme we introduced IELTS, Tech Valley ka ek vertical tha, British Council Engagement se education ke andar. Now I want to know one thing, Tech Valley ke andar there are so many other things being offered. Yes. Apart from Dushil, Tech Valley ke apne verticals ke andar, you know, Tech Valley has 3 verticals, jaise jisme hamara education hai, tourism hai, hamara tech hai, to ye sari cheeze hai. तो मुझे वन बाय वन अगर आप बताएं कि एजुकेशन सेक्टर के अंदर व्हाट यू गाइस आर ऑफरिंग, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे या कोर्सेज होंगे? हम मोस्टली जो है कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स जिसमें आईटी ट्रेनिंग्स आ जाती है और आपके आईएलटीएस आ जाते हैं, तो मोस्टली सीएसएसपीएमएस भी इसी डोमेन में हम कवर कर रहे होते हैं. वी हैव बीन रनिंग सीएसएस एकेडमी इन हजारा, ये भी एक मतलब पायनियर हम थे इसमें, नोवा के साथ ही स्टार्टेड दिस.
लेकिन सो फॉर अभी तक 3 साल हो चुके हैं हम सक्सेसफुली सीएसपी हम इसको रन कर रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर तो कोई ऐसे आपके सीएसपी ऑफिसर्स है भी हैं जो पास हैं मास्टर साहब हैज क्वालिफाइड फॉर पीएमएस माशाल्लाह सो ही इज अ पीएमएस वो आई थिंक वो टेक्निकली के मैम उसपे भी है ही इज वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स यस ओके दैट्स वंडरफुल अच्छा मैम नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ब्रिटिश काउंसिल एंगेजमेंट आईएलएस वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आपका जो हो गया सीएसएस पीएमएस हो गया उसके अलावा मुझे पता है टेक के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है टेक वाली ऑफर करते हैं टेक के अंदर हम डिफरेंट चीजें कवर करते हैं मैं जिसके बारे में बीइंग अ वुमन बात करना चाहूंगी कि हमने लास्ट ईयर हमने किया था वी कैंप वुमेन एम्पावरमेंट कैंप उसमें भी हमने कोडिंग स्कूल प्रॉपर रन किया था फॉर 6 वीक्स मोरिंगा का स्कूल है केन्या में कोडिंग स्कूल तो उनका सारा सेटअप था उन्होंने सारा कैरिकुलम ईच एंड एवरीथिंग उनका मेंटर मतलब वीकली आके स्टूडेंट्स को काफी ट्रेनिंग्स देते रहे सो दैट वाज वेरी गुड एंड अदर इनिशिएटिव ऑफ टेक वैली इज द गर्ल्स कोड पाकिस्तान जिसमें भी 17-20 स्टूडेंट्स हर बैच में ग्रेजुएट होते हैं एंड दे आर डूइंग फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग समथिंग उसमें बहुत से स्टूडेंट बहुत लड़कियां स्पेशली आई थिंक बीइंग अ वुमन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड जॉब जी एग्जैक्टली तो ये दोनों प्रोग्राम्स मैं इसका जिक्र करना चाहूंगी इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती है graphic designing, WordPress, whatever you can name it, any IT training. अच्छा। And हम अभी recently cyber security को भी देख रहे हैं कि हम उस पर भी कुछ कर सकेंगे। अच्छा cyber security। अच्छा मैम अगर आप मुझे one by one थोड़े short and brief आप मुझे बताएंगे जो आपकी training programs हैं इनकी course duration क्या होती है इसके अंदर आपकी कोई fee structure कोई ऐसी चीजें if you can like mention or you know देखने वाले जो हमारे viewers हैं they get an idea if somebody is interested in coming and taking those courses in Abbottabad in Hazara region तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैम उन लोगों को पता चले ना मतलब वो थोड़ा आइडिया हो जाए क्योंकि आज का हमारा जो पॉडकास्ट का मकसद ही ये था कि हम टेक वैली के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोगों को तक पहुंचाएं एक तो ये एक मतलब वेरी करता है कोर्स टू कोर्स ठीक है वो ज्यादा कोर्स डिजाइन होता है उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है लेकिन अगर जेनेरिक कहा जाए तो ये एक महीने से ज्यादा का नहीं होता ठीक है शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं ठीक है इधर वी टॉक अबाउट आईएलटीएस सीएसएस पीएमएस का 3 मंथ्स का कोर्स होता है आईएलटीएस का 1 मंथ का होता है आईटी की जितनी ट्रेनिंग्स है उनका भी मैक्सिमम 1 मंथ होता है लेकिन दे कैन एक्सटेंड टू 2 और 3 मंथ्स राइट वो डिपेंडिंग ऑन द कोर्स क्या करना चाहे तो आगे जॉब भी इट्स काइंड ऑफ क्वाइट अफोर्डेबल नॉट मोर देन आई थिंक 10k अच्छा मतलब 10,000 rupees में आप यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल एक एवरेज हम इतना ही चार्ज करते हैं वी ट्राई आवर बेस्ट हम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट अच्छा मैम मुझे एक चीज और जाननी थी वो ये थी कि जब मैं अपना आई वाज ऑन द सोशल मीडिया आई वाज गोइंग थ्रू सम क्वेश्चंस जो लोगों ने हमसे पूछे कि ये जो होते हैं ना अक्सर आपके पास ये चीज होती है कि आप सर्टिफिकेशन करते हैं या कोई डिप्लोमा करते हैं आप वो लेके बैठ जाते हैं इट्स स्टोरी ऑफ एवरी पर्सन लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल अनफॉर्चुनेट जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती उस तरह तो हाउ टेक वैली प्लेज इट्स पार्ट इन दैट टेक वैली आपको फुल टाइम मेंटरशिप दे रहा होता है अच्छा। हमारे जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हैं ट्रेनर्स हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर वेल ऑफ मतलब हर तरीके से एंटरटेन करते हैं ऑन एंड ऑफ उनको हर तरह की मेंटरशिप दे रहे होते हैं क्योंकि मेंटरशिप की वजह से ही स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं काफी सक्सेसफुली एंड मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस तो जिसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी डिजाइनर्स हमारे पास एक और इंटर्न होता था मुबशर ही रनिंग हिज ओन सेटअप So he has been trained by Tech Valley. Yes. Mentorship and all that. Yeah. Ma'am, coming back to this one aspect, Tech Valley ke andar, which I'm looking into it. Ye main aapko bata dunga. I also work as an international student advisor in Tech Valley. So wo ye ek wonderful cheez hai hamari Canadian engagements. Last podcast mein bhi we have discussed about it. Thoda sa house mein bhi thoda sa roshni dalte hain. Let's discuss about it. Abhi recently na humne what we have thought of ke let's get out of that conventional way of you know advising people. In study abroad and all that, so we have brought in Tech Valley Canada. हमने उनको on board लिया, और उसके बाद we started कि हम देखें जैसे आप लोग training भी देते हैं, courses भी करवाते हैं, mentorship भी देते हैं, then you help them you know get somewhere in their business, like business कर रहे हैं, job कर रहे हैं, in their careers. तो इसी तरह की एक चीज जो थी सैनिका कॉलेज के साथ हमारे पास 2-3 और कॉलेजेस हैं, the Canadian College है, the Humber College है. तो जब हमारी कैनेडियन एंगेजमेंट स्टार्ट हुई ना बीइंग द स्टूडेंट एडवाइजर्स तो हमने ये स्टार्ट किया कि जब आप टेक वैली कैनेडा टेक वैली पाकिस्तान टेक वैली कैनेडा के थ्रू आप अगर कैनेडा जाते हैं हमारे किसी पार्टनर कॉलेज के पास डिग्री करने तो हमने उसमें ये चीज़ की है कि हमने ना सिर्फ आपको कि आपने बस हमने आपका वीज़ा प्रोसेस हो गया और आपको एडमिशन करवा दिया तो आप चले गए वो आप यू नो अंडरस्टैंड दैट तो ये है कि हम इवन की पिक एंड ड्रॉप की हमारी पहली फ्री है जो एयरपोर्ट से जो टोरंटो एयरपोर्ट से हमारी पहली पिक एंड ड्रॉप है वो हम फ्री देते हैं उसके साथ में हमारे पास जो दूसरी चीज आ रही थी वो थी कि हम लोगों ने वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग यही टेक वैली का जो मॉडल आप लोग रन कर रहे थे पिछले इतने टाइम से हम इसी को वहाँ पे
इंक्रीमेंट कह रहे हैं उसके साथ हम आपको अकोमोडेशन अच्छी अकोमोडेशन ढूंढने में हेल्प करते हैं, गाइडेंस करते हैं। फिर ये नहीं कि हमने आपको छोड़ दिया, आपने डिग्री कर ली ना उसके बाद भी आपकी कैरियर काउंसलिंग और फिर उसके बाद आपकी अटॉर्नी सर्विसेज। तो ये टेक वैली इज वन ऑफ इट्स ओन इट्स काइंड ऑर्गेनाइजेशन। मैम तो इस पर रोशनी डालेंगी। आई वांट यू टू टेल पीपल कि ये सोशल एंटरप्राइज का मॉडल क्या है। टेक वैली सोशल एंटरप्राइज में दो एस्पेक्ट्स आते हैं, इट इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सोशल वेलफेयर के हम लोगों को कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं। हम उनको इट्स काइंड ऑफ एग्जांपल मैं ऐसे दूंगी कि आपको आप लोग आइडेंटिफाई कर लें कि ये वीक एरियाज हैं, हम उस उन वीक एरियाज पे उन लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, उनको इनेबल करते हैं कि वो अपने लिए अर्निंग करें, रादर देन कि हम एक एनजीओ की तरह उनको जस्ट फंड्स दे दें कि भाई हाँ ठीक है वी विल गिविंग यू समथिंग। एजुकेशन को थोड़ा डिस्कस कर लें, पीपल गेट टू नो कि हम क्या करते हैं। आई वाज कमिंग बैक टू दिस GDA engagement in tourism specifically, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि what we are doing। Tourism भी एक हमारा बड़ा मतलब बहुत बड़ा vertical है जिसमें हम पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं। Tech Valley ने as a pioneer incubator काम किया था इसमें tourism के जितने भी startups हैं उनके लिए, tourism के startups को भी support करने के लिए हमारे साथ Kalyan Development Authority and Tourism Corporation हमारे साथ हमेशा से help करते हैं। Like जो हमने दर्शन की बात की, that is also public-private partnership। So हम जो है इस चीज को लेके चलने के लिए we are working with सरकार, government के साथ, we believe in public-private partnership कि हम दोनों ends को साथ लेकर चलें। GDA के साथ हम काफी कुछ करते रहे जिसमें हमने एक आइडियाथॉन कराया था टूरिज्म के ऊपर, जिसमें बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज पिच किए थे। And GDA was interested to fund them, जिनमें से उन्होंने एक बच्चे को काफी टाइम तक अपने पास इंटर्नशिप्स और सब कुछ उन्होंने करवाया था। अच्छा। उसके अलावा टूरिज्म में हमारा जो एनुअल फ्लैगशिप इवेंट होता है कॉन्फ्रेंस होती है, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री टेक इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं एबटाबाद। अच्छा जी। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंट थिंग कि हम इस्लामाबाद जाके या कराची जाके कॉन्फ्रेंस नहीं कराते, वी वॉन्ट के पीपल लोग जो है वो एबटाबाद में है और वो देखें कि हमारे क्या प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। एंड इट्स नॉट लाइक कि आप बैठ के तालियां बजाएं और उससे हमारे पास टूरिज्म इतना कम है तो उसमें टेक थोड़ा सा कम है, बट स्टिल मतलब इंडस्ट्री में अगर हम देखें तो बहुत सा काम हो रहे हैं। सो दिस टाइम मतलब वी आर इंटरेस्टेड कि हम इसको ज्यादा टेक कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम वो इस दफा फुल पेस में स्टार्ट हो चुका है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, आप हमारे हमारे जो आउटरीच मैनेजर्स हैं वो हमारे जो इंटर्नीज हैं वो आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आएंगे। हमारा टेक वैली रोड शो स्टार्ट हो रहा है। मैम आपको पता है रोड शो टेक वैली रोड शो करें जिसमें कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम पर ज्यादा हम हाईलाइट करें क्योंकि हमें लोग चाहिए। You want a part of a big company, you want a part of Tech Valley, you want to work in your own society, you want to work for the people, come join Tech Valley Ambassador Program. आपके लिए opportunity है। देखिए मैम जैसे हमारे बहुत सारे vertical हैं, right? उन्हीं के अंदर देखिए आप जब ये लोग आएंगे बच्चे, yes. Event management, Tech Valley conference is a big event, yes. Startup grind. Google Startup Grind. How can I miss that? Like you're the face of Startup Grind. I'm sorry, I missed that. But let me complete this and then we'll come back to that. So, aap aaye, join our campus ambassador program. Uske andar aapko internship. Dekhe, humare pas last year ambassadors the. Aaj wo humare internees hain aur in future they're looking into the job prospects. Wo bhi Tech Valley ke andar. Ye nahi ke aap bhai. Aur kitne humare mam, you can tell very well ke jo humare internees the, they have been working. Yes. To is tarah ki cheeze.
और उसके साथ ये है कि आपको लर्निंग लाइक व्हाइल यू आर स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग. लाइक व्हेन आई वाज इन इंग्लैंड आई वाज स्टडीइंग, मैं आपको बताता हूं, आई वाज स्टडीइंग और उसके साथ मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर वॉलंटियर मतलब काम करता था स्टूडेंट ऑफिस के साथ. इसी तरह हमारा जो स्टूडेंट यूनियन थी उनके साथ वॉलंटियरली काम करता था और उसने मुझे बहुत हेल्प की है, एनहांस माय स्किल्स. तो ये चीजें यहां पे कम है तो टेक वैली इज द प्लेस. लोकल जो भी चैप्टर्स को लेते हैं वो अपनी ही कम्युनिटी के एंटरप्रेन्योर्स को दे गिव देम द प्लेटफॉर्म सो दैट ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ फेस टू फेस एक इंटरेक्शन हो. उनको मेंटरशिप मिलती है इसके अंदर. दे विल हैव इंटरनेशनल एक्सपोजर इफ दे वांट टू गो टू इवन टू द सिलिकॉन वैली. Okay. I just get excited, you know. Abbottabad mein itna kuch ho raha hai. Abbottabad mein bahut kuch ho raha hai. First, like I came here for a workshop. Mere liye bhi it was quite amazing experience. Ki acha Abbottabad ke andar bhi aisa kuch hai. Because hum kabhi dekhte nahi hai, dhoondte nahi hai apne area ke andar. To main logon ko yahi kahungi ki is platform ko at least ek dafa visit kare, aaye, dekhe, humse mile. Ji. Aur unhe unke interest ki hum itni sari cheeze discuss kar rahe hain. Shayad bahut kuch humne miss bhi kiya ho. Haan, kafi cheeze miss bhi hongi. तो वो आए हमसे मिले अपनी वेबसाइट हमारी वेबसाइट पे जाकर देखे उनको जो जो चीजें चाहिए एटलीस्ट उनको कुछ ना कुछ उनके इंटरेस्ट का जरूर मिल जाए. जी मैम बिल्कुल ऐसे ही है. मैम बेसिकली इट्स अबाउट टाइम बट आई होप वी हैवंट मिस्ड एनीथिंग. यू एंजॉयड दिस पॉडकास्ट. या वी विल डेफिनेटली विल बी कमिंग अप विद मोर पॉडकास्ट. दिस इज द टाइम वी आई विल हैव टू से गुडबाय टू यू गाइस बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. दिस इज टेक वैली पॉडकास्ट. इट विल बी कमिंग एवरी वीक. You have to stay tuned. It'll be coming every week for you guys. We'll be bringing new things, what TechValley is offering. But at the end, I really want Ma'am Najma Said Durrani to give you guys a message. Ma'am, any message for the youth? First of all, we have missed one thing. Today is Mr. Umar Farooq's birthday. Yes. He's our CEO and founder of TechValley Abbottabad. So I want to wish him a very, very happy birthday. Happy birthday, sir. And may you have many more birthdays like this. And apart from that, like this is a new year, first month, and अपने लिए जो भी goals and resolutions आप लोगों ने set किए हैं, come to us, maybe we can help you. Definitely. Thank you so much for watching. Join us, like us, follow us, and tweet us. And definitely. And thank you so much. This is Kas Sindhya signing off from the TechValley podcast episode number 2. And then stay tuned for next week. We're coming with new podcast. Thank you. Thank you. Thank you.